कोविड महामारी से आज दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान भी कई मामलों में खुलकर अपने विचार उसने बदले हैं, मदद एक तरीके से उसके लिए सामने आया है। दरअसल जब एयर इंडिया का जहाज मुंबई से जर्मनी के लिए उड़ान पर था, तब वो कराची ATC के एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसके संपर्क में आया, तो उन्होंने भारतीय पायलट को इस मुश्किल की घड़ी में काम करने के लिए सराहना की, साथ ही पाकिस्तान से गुजरने का सीधा रास्ता भी दिया। हमारे साथ नीता शर्मा जुड़ गई हैं। नीता, पहले हमें याद है पिछले साल पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक, और उसके बाद फिर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के जो विमान हैं उनको अपने जो विमान क्षेत्र है उसमें घुसने से मना कर दिया था। लेकिन ये एक पॉजिटिव चेंज देखा जाए इस नेगेटिव हालात में? बिल्कुल शशांक, ये जो एयर इंडिया की दो फ्लाइट्स थी जो मुंबई से ट्रैवल कर रही थी, फ्रैंकफर्ट ये रिलीफ मटेरियल्स लेके जा रही थी और साथ में पैसेंजर्स को भी लेके जा रही थी। ये मुंबई से टेक ऑफ हुई थी 2 अप्रैल को 2:30 बजे के आसपास। ये पाक सीमा में, पाक एयर स्पेस में घुसी थी तकरीबन 4 बजे। जब जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने ATC से संपर्क किया तो पहले तो कुछ जवाब नहीं आया, तो उन्होंने अपनी जो फ्रीक्वेंसी बदली तो पहली बात उन्हें जो सुनाई दी, उन्हें ग्रीटिंग्स मिली, अस्सलाम वालेकुम बोला गया और उन्हें पूछा गया कि आप क्या रिलीफ का सामान लेकर जा रहे हैं। जब हमारे पायलट्स ने बोला कि हाँ वो रिलीफ का सामान लेकर जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनकी इस बात को सराहा। नॉर्मली हमें जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया का कहना है कि नॉर्मली जब उन्हें जो रास्ता दिया जाता है वो क्लोजर टू कराची नहीं दिया जाता, दूर दूर से दिया जाता है। लेकिन इस बार जो ATC है पाकिस्तान का, उसने एक शॉर्टर रूट भी दिया जिसके कारण काफी आधा घंटा के आसपास एयर टाइम भी बच गया। उसके बाद ईरान एयर स्पेस में हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट्स जब घुसने वाली थी, ईरान में जो एयर कंट्रोल है वो एयरफोर्स के पास है, जब भारतीय विमानों का संपर्क ईरान से नहीं हो पा रहा था तो पाकिस्तान ने दोबारा से ईरान से जो है संपर्क किया और बोला कि भारतीय विमान जो दो रिलीफ का सामान लेकर जा रहे हैं वो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से भी उन्हें सराहना मिली, तुर्की से भी मिली, और जो फ्लाइट पहुंचनी थी वहां पर 8:30 बजे वो लगभग 45 मिनट्स पहले पहुंच गई। ये एयर टाइम जो एयर इंडिया ने सेव किया, तो ये हम कह सकते हैं कि जो महाराजा है, एयर इंडिया को महाराजा कहा जाता है कि वो रेस्क्यू के लिए तो सामने आ ही रहा है, विश्व भर में उसको सराहना भी मिल रही है, अलग अलग कंट्री सराह रही है कि वो डिफिकल्ट एरिया से जाकर इवैक्यूएशन कर पा रहा है और रिलीफ मटेरियल जो है वो लेके जा रहा है। एक और बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी शशांक, कई जो CISF के पेशेंट्स हैं, जो जो जवान हैं वो आइसोलेटेड है और 11 जो है वो टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं, वो मुंबई अस्पताल में है, कस्तूरबा गांधी अस्पताल में। जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक ऐसे जवान से भी संपर्क किया, तो इस मुश्किल की घड़ी में जो जो एक एक जो मिलकर फाइट करने का जो एक जज्बा है, चाहे वो जवानों में हो चाहे एयर इंडिया में हो, वो मिलकर सामने आ रहा है। शशांक, शुक्रिया शुक्रिया नीता, ऐसे समय में ये खबरें थोड़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। शुक्रिया ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए।